मौत के करंट लेकर आई 11,000 वोल्ट का तार। रोजी रोटी के चक्कर में मजदूर की चली गई जान। सुरक्षा मानक पर उठे सवाल, अगर होता इंतजाम तो बच जाती जान। वो रोजी रोटी के लिए काम कर रहा था, वो दो वक्त की रोटी कमाने आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। साहिबगंज से पूर्णिया तक फोरलेन बनाने का काम चल रहा है, जिसका ठेका डीबीएल कंपनी के पास है। इस सड़क को बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर लगे हैं। इन्हें मजदूरों के साथ सुशील सहनी भी काम करते थे। उनको क्या पता था कि यह मजदूरी जान पर आफत बन जाएगी। नारायणपुर कुतुबपुर के पास फोरलेन पर पुल बनाने का काम चल रहा है। इसी दौरान 11,000 वोल्ट बिजली की तार के चपेट में आकर सुशील सहनी नामक मजदूर की जान चली गई। सुनिए कैसे सुशील सहनी मौत की चपेट में आ गए। ये वहाँ से काम कर रहा था लेबर में, ठीक है अच्छा, और जो सरिया जो बिगा तार में लगा, अब भी गिर गया उसी जगह। गिरने के बाद हम लोग पूरा एकदम भागे थे, जैसे बोला फड़ांग हम लोग भागे, और उसके बाद धांध गुड़ा के लोग इसको उठा के तुरंत यहाँ हॉस्पिटल आए। उधर इस हादसे पर समाज सेवी करण मानस ने बताया कि डीबीएल कंपनी की मनमानी के कारण पहले भी मजदूरों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा मानक ना होना हादसे की वजह है। देखिए, इनका नाम है सुशील सहनी और ये भागलपुर जिले के हैं, और लापरवाही डीबीएल कंपनी की पूरी तरीका से है। देखिए, मजदूर कोई भी मजदूर हो, जो गरीब तबके के लोग काम करने के लिए आते हैं, तो उनकी पूरी सेफ्टी जो है, पूरी जिम्मेदारी जो है, वो यहाँ के जो डीबीएल कंपनी के जो है इंचार्ज का होना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाबदेही नहीं है। और लगातार इस प्रकार की घटनाएँ होती है। आप देखते हैं कि रोड में चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर जाता है, या किसी को धक्का लग गया, तो डीबीएल कंपनी के कर्मचारी उसका सुध बुध नहीं लेते हैं। आप लापरवाही की इंतहा देखिए। डीबीएल कंपनी के पास निर्माण का ठेका है, सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में मजदूरों का एक डेटा तो कंपनी के पास होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी तो मजदूर के बीमार होने की बात कह रहा है, यहां तक कि उसका किसी को नाम तक नहीं पता। मौत सर, वो एक्चुअली क्या है ना, वो काम कर रहा था वहां पे, तो उसको भी ऐसे भी बहुत परेशान था, बहुत पसीना पसीना सुबह से आ रहा था उसको। हाँ, वैसे भी कई महीने से तबीयत उसका खराब था, खराब होने के कारण सर वहीं पे गिर पड़ा हुआ सर। कुछ लोगों का ना करंट लगा है, करंट लगने से तो सर वहाँ पे और भी बंदा था, ठीक है, करंट लगने से वहाँ भी और बंदा था, उसको भी होना चाहिए ना सर, उससे कुछ हुआ नहीं, उसका तबीयत ही खराब था सर वहाँ पे। क्या होगा अभी सर, देखते हैं कार्रवाई, अब कंपनी वाले आ रहे हैं सर। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम था इनका? नाम सर हमें पता नहीं सर। आगे फिलहाल मृतक के परिवार में कोहराम मचा है, वहीं कंपनी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।